तो फाइनली अपने मकड़ मानव की एक और मूवी आ चुकी है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। वेल यार, ये एक ऐसी मूवी है जिसपे अगर बातें स्टार्ट करो तो खत्म होने का नाम भी नहीं लेगी, इसलिए चलो यार टाइम की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, सीधा बकचोदी ही स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा कि 2 जून को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है, एंड ये मूवी स्पाइडरमैन के एनिमेशन यूनिवर्स की एक मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सेकंड पार्ट है। तो यार मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो फर्स्ट पार्ट में स्पाइडर वुमन दिखी थी उसकी ओरिजिन दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि अर्थ 65 में पीटर पार्कर की जगह ग्वेन स्टेसी को मकड़ी काट लेती है, जिसके बाद वो स्पाइडर वुमन बन जाती है। इसके बाद उसका फ्रेंड पीटर पार्कर एक दवाई बनाता है जिसे पीकर वो बाय मिस्टेक एक मॉन्स्टर बन जाता है, और फिर स्पाइडर वुमन अपने ही फ्रेंड पीटर पार्कर को गलती से मार देती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और लोगों से दूर रहने लगती है कि अब किसी को दिल के करीब नहीं लाना। बट फिर जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मल्टीवर्स वाला कांड हो जाता है, जिसके चलते वो माइल्स को अपना फ्रेंड बना लेती है, एंड फिर वो जब अपने यूनिवर्स में वापस आ जाती है तो ग्वेन को माइल्स की बहुत याद आने लगती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट पार्ट में किंग पिंग का कोलाइडर था, जो उसकी फर्स्ट पार्ट में मशीन थी दूसरे मल्टीवर्स का पोर्टल खोलने वाली, वो दरअसल बंद तो हो गई थी पर उसका पोर्टल इतना ज्यादा खुल गया था जिसे कोई भी स्पाइडरमैन या विलेन किसी भी डायमेंशन से होकर किसी भी यूनिवर्स में जा रहा है, और फिर उसे बंद करने के लिए और जो भी किसी दूसरे डायमेंशन से होकर किसी और यूनिवर्स में चला गया है उसे उनके यूनिवर्स में वापस भेजने के लिए आता है मिगेल ओहारा, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखा था। एंड फिर दिखता है अपना अर्थ 1610 से चहकता फूकता लौंडा माइल्स मोरालेस वाला स्पाइडरमैन, और उसके यूनिवर्स में भी एक सुपर पावर वाला इंसान होता है जिसका नाम होता है स्पॉट, एंड इसकी सुपर पावर है कि ये अपने आप में ही एक पोर्टल है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन पर, तो यार शॉर्ट में समझाऊं तो देखो, स्पॉट काम कर रहा था किंग पिंग के लिए, जो उसने दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोलने के लिए मशीन बनाई थी उस पर, और जब वो एक दिन उस मशीन को टेस्ट कर रहा था तो अर्थ 42 के यूनिवर्स की एक स्पाइडर इस यूनिवर्स में आ जाती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि अर्थ 42 की जो मकड़ी थी उसे दरअसल उसी के यूनिवर्स के माइल्स मोरालेस को काटना था, बट वो अर्थ 1610 वाले माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ 42 में अब कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है, और अब जो अर्थ 42 का माइल्स है वो एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है। एंड अब जो अपना मेन यूनिवर्स वाला माइल्स मोरालेस है अर्थ 1610 वाला, उसे अर्थ 42 की मकड़ी ने गलती से काटा था, जबकि उसे अपने यूनिवर्स अर्थ 42 वाले माइल्स मोरालेस को काटना था, जिसकी वजह से अपना वाला माइल्स मोरालेस गलती से स्पाइडरमैन बन गया। बट जब फर्स्ट पार्ट में स्पाइडरमैन वो मशीन बंद कर रहा था तो उसके रेडिएशन से स्पॉट को पावर्स मिल गई, बट वही शक्तियां उसके लिए एक अभिशाप बन गई, उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी जॉब छूट गई, उसकी फैमिली छूट गई, कुल मिला के स्पॉट के पूरी तरह लोड़े लग गए, और ये लोड़े उसके स्पाइडरमैन ने लगाए थे, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन का जानी दुश्मन बन चुका है। बट फिर उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियां बहुत खतरनाक, बोले तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली है, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायमेंशन से होकर किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है, और यहीं से होता है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के विलेन का जन्म। एंड फिर हमें दिखता है कि जो भी हमारा मेन स्पाइडरमैन है माइल्स मोरालेस, उसका स्पाइडर पने में पैर काफी ज्यादा लड़खड़ाया हुआ है और वो अभी तक कच्चा नींबू ही है, जो उठपटांग गलती करता रहता है, पर इसके बावजूद भी लौंडा अपने सपने पूरा करना चाहता है, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता है और वही बन के रहना चाहता है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, पर एक साथ दो लाइफ जीना आसान काम नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाता। इस मूवी में माइल्स की फैमिली एक तरफ माइल्स को देखकर खुद को चेंज कर रही है, पर हमारा माइल्स जो कि स्पाइडरमैन बन चुका है वो खुद को नहीं बदल सकता। अभी नलातों में माइल्स सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि वो भी मिस मार्वल की तरह अपनी फैमिली को बता दे कि कृष्णा ही कृष है। बात सही है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ग्वेन भी मिगेल के साथ मिलकर मल्टीवर्स बचा रही है, और फिर जो मूवी का मेन विलेन है स्पॉट, वो अलग अलग पोर्टल से अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है ताकि वो स्पाइडरमैन से बदला ले सके। एंड फिर इसी के चलते स्पॉट अर्थ 50101 वाले यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ अपना इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर और उसकी गर्लफ्रेंड गायत्री रहती है। साला शुक्र है नाम ही गायत्री रखा है, वरना कहीं पवित्र प्रभाकर को मुंबईटन की जगह मुंबईपुर गांव में डाल देते तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी हारने का सारा इल्जाम पवित्र प्रभाकर पर ही लग जाता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर माइल्स मोरालेस ग्वेन स्टेसी के साथ इलीगल तरीके से पवित्र प्रभाकर वाले यूनिवर्स में आ जाता है, और फिर माइल्स मोरालेस ग्वेन स्टेसी और पवित्र प्रभाकर मिलकर स्पॉट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। और फिर हमें दिखता है कि मिगेल ने पूरी की पूरी स्पाइडर यूनिवर्सिटी खोल रखी है, उसने एक हेडक्वार्टर बनाया जिसमें हर यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। ये मूवी दिखाती है कि एक बच्चा जो कभी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहता था, पर किस्मत चाहती थी कि अगर ब्रुकलिन शहर से एक स्पाइडरमैन छीना जा रहा है तो उसे दूसरा स्पाइडरमैन भी मिलेगा। एंड जब माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन बन गया तो ना ही वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा, ना ही अपने स्कूल को टाइम दे पा रहा, और ना ही अपने आप को टाइम दे पा रहा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अकेला हो जाता है, और उस टाइम उसे कुछ अच्छे और सच्चे दोस्तों की जरूरत होती है। बट फिर उसे अच्छे फ्रेंड तो मिले या नहीं, पर जो ले दे के उसके अच्छे पापा थे मिगेल
ओहारा माइल्स से उसे ही छीनने की बात कहता है। इट मीन्स स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ऐसा होता है कि अलग अलग हर यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की कड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है और उसे जोड़ने का काम एक कैनन टाइप कुछ करता है, जिसके चलते पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में उसकी गर्लफ्रेंड गायत्री के पापा की डेथ ही सब कुछ कर सकती है, पर उसके पापा को माइल्स बचाकर वो कैनन का चलना खराब कर देता है। और फिर अब माइल्स मोरालेस के पापा की डेथ ही मल्टीवर्स को सही कर सकती है और उस बच्चे के भेजे में अक्कल डाल सकती है कि लौंडे अब जवान हो जा। पर यहाँ से स्टोरी स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ मोड़ ले लेती है। जैसे अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी आंट मे की मौत के बाद भूल चुका था कि वो एक स्पाइडरमैन है और वो भी चल पड़ा था ग्रीन गोब्लिन से बदला लेने। वैसे ही कुछ सीन माइल्स मोरालेस के साथ है, उसे दुनियादारी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी फैमिली को बचाना है। बट वो ये बात भूल जाता है कि जिस दिन तुम स्पाइडरमैन बनते हो उस दिन तुम अपनी लाइफ खत्म कर लेते हो और उस दिन तुम्हें ये चीज मिल जाती है कि तुम्हें आगे जाकर बहुत से चाहने वालों को खोना पड़ेगा और जब ये टाइम आएगा तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन होने का यही मतलब है तुम सबको तो बचा सकते हो पर जो तुम्हें चाहते हैं या जिन्हें तुम चाहते हो उन्हें नहीं। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते, पर इसकी होप कभी नहीं कि स्पाइडरमैन की लाइफ भी एक आम ह्यूमन जैसी हो, क्योंकि यार स्पाइडरमैन का दूसरा नाम ही कुर्बानी है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी की एंडिंग स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसे ही की गई है। जैसा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडी की आइडेंटिटी रिवील करके मिस्टीरियो बहुत ज्यादा लोड़े लगा देता है स्पाइडरमैन के नो वे होम में, वैसे ही कुछ सीन माइल्स मोरालेस के साथ हुआ है, बट इसमें थोड़ा अलग है। माइल्स मोरालेस के कुछ ज्यादा ही लोड़े लगने वाले अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के नेक्स्ट पार्ट में। कभी कभी सोचता हूँ अगर स्पाइडरमैन की लाइफ के इतने ज्यादा लोड़े लगाने थे तो उसका नाम स्पाइडरमैन की जगह लोड़ा में नहीं रख देते बेंच। एंड इस मूवी का जिस तरह क्लाइमेक्स एंड किया गया है ना, बहुत ज्यादा हाइप बनने वाली है इसके नेक्स्ट पार्ट की। सही बता रही हूँ, इसका असली मजा आना तो भी बाकी है। और उसके साथ मूवी का सीजी बहुत औसम है, डबिंग बहुत औसम है और स्टोरी लाइन का तो कहने क्या, कुल मिलाकर मूवी पूरी तरह से मजे देती है। बस अगर ऐसा ना सोचो कि एक कार्टून मूवी है, फिर तो तुम मूवी को जितना डीपली देखते जाओगे उतना ही स्पाइडरमैन के बारे में जानते जाओगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ये मूवी बहुत औसम है, बिल्कुल भी मिस मत करो, जाकर जल्दी से ये मूवी देखो। और हाँ, तुमने अगर इसका पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, नहीं तो फिर थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक ही बात कहोगे। और अगर नहीं है इतना टाइम की पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर सेकंड पार्ट देखो तो मैं सजेशन में वीडियो डाल रहा हूँ, वो देख लेना, तुम्हें अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी की स्टोरी आराम से समझ आ जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए कहीं जाना मत, इसी चैनल पर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉच।